नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। मैं आपको 17वें दिन जंतर मंतर की तस्वीर दिखाना चाहूंगी यहां पर, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लोग यहां जो समर्थन में आ रहे हैं उनको भी किसी ना किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। हमारे साथ डीएस बिंद्रा जी मौजूद है और यहां पर लगातार लोगों को शिकंजी बांटने का काम किया जा रहा है। सर, आप जो भी आंदोलन होते हैं देश में, जब लोग अपनी मांगों को रखने आते हैं, आप आगे रहते हैं उनकी मदद करने में, उनको चीज़ें प्रोवाइड करने में, यहाँ पर भी आ गए हैं? नहीं, आंदोलन में नहीं, हम लोग गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के बाहर भी सुबह चाय लगाते हैं सर्दियों के अंदर। और जब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें हमने सूखा अनाज भी हमने बांटा था। और जहाँ भी, जैसे आप रामनो लोहिया हॉस्पिटल है या इरविन हॉस्पिटल है, उसके बाहर भी हम लोग ठंडा पानी लगाते हैं गर्मियों के अंदर। सर्दियों के अंदर हम लोग सुबह 5 बजे चाय लगाते हैं और गर्मियों के अंदर हम लोग ठंडा पानी लगाते हैं। तो ये हम हर जगह लगाते हैं। अब हर जगह, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोगों को बोतल, एक एक बोतल 20-20 रुपये पानी की लेने पड़ रही है। पानी का यहाँ इंतजाम तो है लेकिन उतना नहीं है कि हर आदमी उसको अफोर्ड कर पाए। तो हम लोग अपने पास से बर्फ़ ला के, और इसको हमने बहुत बढ़िया मैंगो फ्लेवर आई है, बहुत बढ़िया मैंगो फ्लेवर चीनी घोल के हमने इसको बनाया, जिससे एनर्जी भी आएगी और ये एनर्जी ड्रिंक भी हो गया और गर्मी के लिए ठंडक भी हो गई। यहाँ पर जो बेटियाँ बैठी हुई हैं वहाँ पर, उनको जो समर्थन देने लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं लगातार? हमें देखो, हमें इन इन समर्थन से, बेटियों से, सरकार से, राजा से, प्रजा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है इसको शरबत को देना, शरबत को पिलाना, छबील को पिलाना। अब जो भी हमारे आगे आएगा हम उसको छबील देंगे। वो चाहे प्रोटेस्ट करने वाला हो, चाहे वो पहलवानों के यहाँ से हो, चाहे वो प्रोटेस्ट का हो, चाहे वो हॉस्पिटल के बाहर का हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर का हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, हम अपना काम करते रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जी बिल्कुल, ये परमात्मा हमें देता है, वो हिम्मत देता है। हमें गुरु तेग बहादुर साहब बैठे हैं, वो हमें हिम्मत देते हैं कि वहाँ जाओ और वहाँ अपनी ड्यूटी करो, और हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं अपना सामान लेके बस। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको यही दिखाना चाहेंगे कि जो धरने पर लोग मौजूद हैं उनको लगातार, कि ताकि किसी को बार बार पानी खरीद कर पीने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग आ रहे हैं दिन प्रतिदिन अपना समर्थन जताने के लिए। सभी लोग, इतनी गर्मी में पानी की ज़रूरत बेसिक है, इसलिए पानी का हम आगे भी आपको दिखाना चाहेंगे कि जंतर मंतर पर पूरे जो लोग आ रहे हैं समर्थन में उनके लिए पूरी इंतज़ाम आप देख सकते हैं। उधर पूरा लंगर चल रहा है, यहाँ पानी दिया जा रहा है। तो अगर कोई समर्थन में आता है, पूरा दिन भी यहाँ बैठता है, तो उसको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कोई आएगा तो उसको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, सुबह से शाम आप आराम से बैठ सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, खाना पानी सब फ्री है। सब खाना पानी सब फ्री है की बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर बैठ कर खा रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर समर्थन देने आए थे? समर्थन देने के लिए आए। हाँ, और हम तो समर्थन ही देंगे और क्या करेंगे। खाने पीने की सारी सुविधा है यहाँ पर। मैडम एक बात बताइए, जब धरना देंगे और मर समर्थन देंगे तो खाना कौन लेके आएगा? बिल्कुल, तो वही है ना, कोई एक बात बताओ, हम अपने घर से अनाज लेके आए, अन्न लेके आए, पहलवानों का समर्थन है या पहलवानों की इसी मदद मिल रही है, हम अन्न भी खा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, है? हम अपना घर छोड़ कर, मेरे को यहाँ 10 दिन हो गए, 10 दिन से मौजूद, 10 दिन से हम यही ना, उस दिन से अपना ना एक ही जोड़ी यही कपड़े थे बस। अच्छा। हाँ, उस दिन से हम जो है घर पे ही शक्ल नहीं देखे, हमारे घर वाले कैसे रह रहे हैं, कैसे हैं। हाँ। हमारे खाली हमारी अपनी बहन के लिए जी जान से मदद मांगे, जी जान से उससे लड़ने के लिए भी तैयार है। 10 दिन से यहाँ मौजूद है, बोल रहे कि इन्हीं कपड़ों में आए थे, घर पे नहीं गए हैं, घर पे कोई बातचीत नहीं हो रही है, इन पहलवानों के लिए, इनके न्याय की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। एक बात और है, आपने भी भैया जी मैंने भी देखा होगा, हम बोर्ड पे भी रहे थे, हम हर समाज सेवी का आदमी, हमने अपना घर भी त्याग दिया, घर त्याग दिया है, लड़ाई की लड़ाई पूरी करनी। हाँ जी। जब तक हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से खाली जगह, अरे ज़्यादा लंबी चलेगी ना, हम तो यहाँ अपना मकान भी बना देंगे। सरकार चाहे तो हम तो आज उठ जाए, अभी उठ जाए, बस कह देना कि हम ब्रिजभूषण को उठा के डाल देते हैं जेल में, अपने पद से इस्तीफा दिलाते हैं, कार्रवाई कीजिए, हम तो आज उठ जाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है बैठने में, हम उठ के घर चल जाएंगे। महाराष्ट्र से आए हूँ बिहार। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं, इतने दूर दिल्ली? जी हाँ, महाराष्ट्र में। समर्थन देने के लिए? सर जी हाँ, समर्थन देने। और मैडम ये तो महाराष्ट्र, ये तो दिल्ली है, मेरा भाई ताऊ जी का लड़का दुबई में रहता है, उसने ये न्यूज देखी तो उन्होंने भी वहाँ भी धरना शुरू कर दिया दुबई में, इनके समर्थन। हाँ जी, अपना विश्वव्यापी हो गया है आंदोलन, की दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और जो लोग इनको हरियाणा यूपी का आंदोलन बता रहे थे उस चीज को यहाँ पे सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से लोग मौजूद हैं और 10 दिन से लगातार ये लोग यहीं आए हुए हैं। पानी, खाना, हर चीज़ की व्यवस्था है। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, आपने बोला कि आप धरना ख़त्म कर देंगे अगर गिरफ्तारी हो जाती है, तो क्या लग रहा है फिर गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई की जाएगी कुछ? देखो अभी फिलहाल में ना, आज तारीख कितनी है, 9, आज 9 है ना। हाँ। कल चुनाव है। हाँ। तो प्रधानमंत्री हमारे बिजी अभी फिलहाल में। अच्छा। जैसे चुनाव हो जाएगा ना, डाल दीजिए ना। हाँ। जैसे हमारा चुनाव हो जाएगा, 13 को रिजल्ट लग जाएगा,
तो प्रधानमंत्री एकदम बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा ना। तो डायरेक्ट ऐसा थोड़ी सिर्फ इलेक्शन में काम होता है, काम तो उनके पास हर दिन रहता है ना। काम तो वैसे कितने घंटे करते हैं वो बता दीजिए एक बार। बोलते हैं इतना कम सोते हैं, काम ही करते। कितना घंटा काम करते हैं? नहीं आप बताए ना कितना घंटा काम करते मोदी जी? उन्हीं से पूछना। नहीं नहीं एक बार बताए, आप सुने हो नहीं? एक बार आप बस एक प्लीज ना एक बार जवाब दीजिए। नहीं नहीं आप उन पर आप फिर कुछ बोलने वाले? आप रहे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप सर कसम से एक बार बोले कितना घंटा? मैं इस पर जानना चाहूंगी। 18 घंटे करते हैं ना? 18 घंटे करते ना? एक दिमाग 24 घंटा काम करता है, पता है आपको? तो मोदी जी कहिए 18 घंटे से बात नहीं बना ना, तो 24 घंटे दिमाग उनसे ज्यादा मेहनत कर लेता है। अरे तो इसे कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं आप किसी को? अरे कंपेयर तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं तो कंपेयर हम, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एक दिमाग भी 24 घंटा काम कर लेता है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटा क्यों कर रहे हैं? 18 कम लग रहे हैं आपको अभी भी? तो दिमाग तो 24 घंटा कर ले रहा है ना, तो 18 कम लग रहे हैं इनको प्रधानमंत्री का। आप ये बोल रहे कि बेरोजगार हो जाए, बेरोजगार कैसे हो जाएंगे? अभी तो इलेक्शन है, उसके बाद और मुद्दे आ जाएंगे, चीजें आ जाएंगी। नहीं 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 सुनो ना, तो करंट में मुद्दा जो रहेगा हमारा उनको जंतर मंतर ही दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री का घर बस पास में है, एकदम 700 मीटर के एरिया में। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि 13 तारीख के बाद आएगा कोई बयान, कुछ कार्रवाई होगी? 13 तारीख के बाद उनका बयान 100% आया, कार्रवाई होगी। देखो अगर विश्वास कर, अगर कार्रवाई हो जाएंगी ना तो उनके लिए ही फायदा है, हमारे लिए नहीं है। और कार्रवाई नहीं भी होगी तो हमें 13 महीने का एक्सपीरियंस है, पता है ना। और दूसरी बात यह है, अगर 13 महीने यहाँ बैठ जाएंगे ना तो 2024 सर्व के ऊपर है, अप्रैल महीना याद रखना लोकसभा, तब तक तो भैया मोदी जी हाथ पर जोड़ लेंगे, भैया आप उठ जाइए ना, मैं ब्रिजभूषण से मतलब निकल चुका है, मैं खुद लात मार के भगाता हूँ उसे और डालता हूँ अंदर जेल में, आप टेंशन मत। 2024 से पहले होगा, अभी नहीं होगा ये सब कुछ? अरे वो खुद करवाएंगे, वो खुद चाहेंगे जल्द से जल्द निपटे। देखिए ना आप, वो तो वो इतने बेवकूफ नहीं है कि 2024 तक जाएंगे। अगर 2024 तक जाएंगे तो मुद्दा भटक जाएगा, उनको पता है कि लोग अब नारी सशक्तिकरण की बात नहीं सुनेंगे, कि नारियां तो यहाँ बैठी है, नारियां तो आके सवाल पूछ रही है, तो फिर किस मुंह से? प्रधानमंत्री है वो, प्रचारक मंत्री है, उनको प्रचारक मंत्री कहा जाता है। अरे वो कोई, अरे वो नहीं है केशव प्रसाद मौर्य, उसको स्टूल मंत्री बोला जाता है। प्रचार मंत्री आप बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही ना अब अपनी पार्टी के। एक सुनिए ना, अब ये बताइए, अब वो कर्नाटक से आएंगे, वो घर आते हैं, खाना खाते हैं, न्यूज देखेंगे ना, वो इनकी बेटियों के बारे में वो न्यूज पहुँचती होगी, तो थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना उनको, उनके शर्म होनी चाहिए। कोई तकलीफ नहीं है ना हमें यार, एक काम करो, देखो हमारे जो विनेश बहन है, भैया जी हमारे बजरंग जी, साक्षी जी है, उनका जो वर्कआउट है ना वो चालू ही है, उन्होंने पिछले बार भी गोल्ड लाया था और इस बार भी गोल्ड लाएंगी ही लाएंगी, तकलीफ हमें नहीं होंगी, लेकिन तकलीफ हम गवर्नमेंट को जरूर दे देंगे इस बार। अच्छा। देखो पहले 2024 में दे देंगे, 2014 में ना 324 प्लस थी सीटें, सॉरी, और फिर 2019 में 284 पे आ गई, शायद जो इस बार तकलीफ होंगी ना तो 250 के नीचे, 250 के नीचे चले गए, तो और वो 300 से पार लाने का दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए वो 300 का पार उन्होंने 2019 में बोले थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे भैया। अच्छा। उनकी उल्टी तो 14 में हाई लेवल ग्राफ दे, ग्राफ 14 में यहाँ, 19 में यहाँ, शायद 24 में यहाँ आ जाए। इतना नीचे आप बोल रहे हैं, लेकिन वो तो विकास की बात करते हैं, जनता के मन में ऐसे। हाँ तो पता है ना भैया, दुबे ना विकास, जानते हैं हम उन्हें, विकास दुबे ना, उन्होंने किए थे विकास दुबे की बात, उनकी गाड़ी पलटा दी गई थी। अब विकास, मैं कौन सा विकास बोल रहा हूँ, आप कौन से विकास के पास लेकर जा? विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी। अच्छा। हाँ आप किस बात कर रहे हो? देश के विकास की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ऐसा कहें, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, प्रोग्रेस की बात कर रहे हो? अच्छा डेवलपमेंट प्रोग्रेस, मतलब आप विकास से और ही कुछ समझ रहे हैं? अरे मुझे लगा विकास दुबे सर नहीं कहा था, गाड़ी पलटा दी हमने, क्रिमिनल खत्म हो गए। तो बोल तो रहे माफिया राज का अंत कर रहे हैं, माफिया राज का अंत कर रहे हैं सच में? आपको नहीं दिख रहा? मुझे तो ब्रिज अभी तो भी तो शरण जी यहाँ दिख रहे हैं। अच्छा ब्रिजभूषण शरण को आप क्या बोल रहे हैं, माफिया बोल रहे हैं? भैया जो व्यक्ति खुद से कह दे कि मैंने किसी व्यक्ति की हत्या की है गोली मार के, हाँ। तो वो माफिया नहीं तो क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ये उनके वर्ड है, वो उनके कन्फेशन है, वो भी लल्लन टॉप के ऊपर, हाँ। तो अभी भी तो बोल रहे हैं कि अगर मैं अपराधी मिलता हूँ तो फांसी पर लटका दीजिएगा। अपराधी मिलता हूँ नहीं, ये इनके ऊपर जो एक्ट लगा है पॉस्को का एक्ट लगा है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ऑफेंस, इससे लगा है ना जो, तो इसमें रूल क्या है हमारे पास,
कि एक दिन के अंदर एक घंटे के अंदर उन्हें अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करके उन्हें बर्खास्त किया जाए, उसके बाद में उनपे जो कार्रवाई थी कमेटी बैठाएगी, कमेटी बैठाएगी तो सुप्रीम कोर्ट बैठाएंगी, पहले तो उन्हें अरेस्ट करो, बर्खास्त करो, फिर करो ना कार्रवाई। वो तो घूम रहे भैया, इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं निष्पक्षता से अपना काम नहीं कर रही है। अच्छा, विभूषण बोलते हैं मैं आरोपी नहीं हूँ, अगर तुरा आरोपी नहीं है तो यहाँ आगे बात क्यों नहीं करते, ये दूरी से क्यों बात करते हैं लोग? अच्छा, यहाँ आगे बात करें, पहलवानों के सामने आए कर सकते आप? तो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, कभी फोन उस पर फेसबुक पर आप वीडियो डाल रहे हैं, तो सामने आके तो बात करो ना। आपको लगता है हमारे बजरंग भैया है, एक बात बताइए, ब्रिजभूषण सिंह ने कभी गोल्ड मेडल लाया है? कभी लाया गोल्ड मेडल? उनके नाम पे देखो, हमारे बजरंग भैया के नाम पे, साक्षी दीदी के नाम पे फाइल लगी है, लेकिन आईपीसी की धाराओं की फाइल नहीं है, सीआरपीसी नहीं है। वो क्या है हमारे लिए? एक आदर्श है। और यहाँ भी फाइल लगी है, सीआरपीसी आईपीसी सब कुछ लग गया भैया। जो और कोई नया कोई कानून जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते हैं। अच्छा जी हाँ, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए ना किसी चीज के भी, इसके भी सबूत मांग रहे हैं। जो एक बात बताइए, जो व्यक्ति खुद से कह दे, कन्फेस कर ले कि मैंने एक हत्या की है, अब उसको सिद्ध क्या करना है यार? ये कोई मैथ्स का साइन कॉस टैन थोड़ी ना है भैया, कि साइन अपॉन कॉस टैन होता है, प्रूफ कीजिए। वो तो खुद कह रहा है ना व्यक्ति, अदालत तो सबूत मांगेगी ना। नहीं तो मैं ये मुद्दे पे बात एक मिनट के लिए पीछे रख रहा हूँ। वो व्यक्ति कन्फेस कर रहा है कि मैंने एक इंसान को मारा है, तो पहले उस पर लटका दीजिए फांसी पे, इसको छोड़ देते हैं मुद्दे को। अच्छा, किसी को मारने हत्या की सजा क्या होती है? 302, एक तो उम्र कैद या फांसी। अब ये मुद्दे को दो मिनट साइड में रख के उस पे बात आऊं मैं। हाँ। तो वो तो खुद से कहा था ना उन्होंने, तो लग रहा है कि कार्रवाई हो पाएगी यहाँ पर। क्या उम्मीदें लग रही है आपसे? उम्मीद देखो, हम लोग जो है ना किसान लोग है, उम्मीद जो है ना हमारे अंदर भरपूर है, एकदम बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उन्हें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कार्रवाई के अलावा। यही राजनीति है भैया, उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें लात मार के फेंकना ही है बाहर ब्रिजभूषण को। आपको लगता है कार्रवाई नहीं होंगी? आपके ही खत्म करते हैं आपकी बात पे, इनको लग रहा है कि कार्रवाई तो करनी पड़ेगी सरकार को। डरेंगी सरकार हमसे, डरेंगी सरकार हमसे, किसानों से। अच्छा जी हाँ, डरेंगी। ये किसान है भैया देश का, सरकार पलट सकते हैं। 2024 में क्या लग रहा है? बस 2024 में ना कह दीजिए कार्रवाई ना करे, औकात दिखा देंगे। मतलब अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये आंदोलन तो चलेगा ही, 2024 अलग से बन जाएगा, सत्ता पलट जाएंगी इसी आंदोलन को। हाँ, इसी आंदोलन को लेके। बहनों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है ये। बहन तो आप भी हो हमारी, ये भी है हमारे, समझ रहे हो ना? किसान और बहनें आ जाएंगी तो फिर वोट कौन दे? अंधभक्त ज्यादा नहीं है ना, 25% बाकी है अंधभक्त। अच्छा। फिर और क्या, और अंधभक्ति का मतलब समझते हो भैया? जे चश्मा पहना दो तो ऊपर खापर रोड भी बोलते हैं, एकदम स्मूथ दिख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका यही कहना है कि अगर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है तो शायद 2024 में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, शुक्रिया।